गाइज ये रास्ते पे हम लोग कम से कम अभी 10 से 12 साल के बाद आए। ये मेरा आखिरी ब्लॉग है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, होपफुली सब आप भी ठीक होंगे। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं द डायमंड सिटी, जिसको बोलते हैं ग्रीन सिटी नाम है। हम जा रहे हैं सूरत, गुजरात जा रहे हैं। आज हम कुछ काम से जा रहे हैं, बिजनेस का कुछ काम है, और मैं और मेरा भाई अविनाश हम दोनों साथ में जा रहे हैं। अभी 2 घंटे में हमारी बस है, अभी तो निकलेंगे वहाँ पे। वहाँ पे बहुत मार्केट से, मतलब कम से कम 100 के ऊपर मार्केट से, बट हम 2 दिन ही है वहाँ पे, तो पूरी मार्केट से घूम नहीं पाएंगे हम लोग। पहले दिन हमको सब काम करना है, और अगले दिन हम लोग जितना, मतलब मार्केट घूमेंगे हम लोग, जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा वहाँ पे। वैसे सूरत पूरा कपड़े का है, मतलब वहाँ पे इसलिए सिल्क सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कपड़े मैन्युफैक्चरिंग होती है, और डायमंड सिटी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे डायमंड्स भी बनते हैं। हम लोग वहाँ पे 2 दिन रहने वाले। पहला दिन तो हमारा पूरा जो काम के लिए जा रहा हूँ मैं, बिजनेस का काम, वो मैं वहाँ पे करने वाला हूँ, और अगले दिन हम लोग घूमेंगे। मैंने इसलिए 2 दिन का ये ट्रिप रखा है कि दूसरे दिन हम लोग मार्केट्स घूमें। लियो जा गाइस, मज़ा बहुत आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में जा रहे हैं। हम जिधर भी जाते हैं हम दोनों बहुत मज़ा करते हैं हम लोग, तो वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो सब चीज़ें। और मार्केट, हम लोग वहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, तो हम लोग लाइक एक दिन में जितना होगा हम लोग उतना घूमेंगे। वीडियो में मैं सब आपको मार्केट दिखाऊंगा। होलसेल मार्केट है वहाँ पे, सब आपको लेडीज़ के कपड़े मिल जाएंगे, और साड़ीज हो जाती है, ड्रेस मटेरियल, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती है, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, ये मेरा आखिरी ब्लॉग है, क्योंकि इसके बाद मैं निकल रहा हूँ सूरत बोल रहा हूँ, मैं दुबई निकल रहा हूँ। 4 अगस्त को मेरी फ़्लाइट है, और फाइनली मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान फरवरी से बन रहा था, तो अभी जाके मेरा हुआ है। और बिज़नेस के काम से जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं कभी आने वाला हूँ वापस। मुझे 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, कभी भी कितना भी टाइम लग सकता है, कुछ पता नहीं है। तो वहीं पे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे भी मार्केट्स है, मतलब एक्सप्लोर करेंगे दुबई में क्या क्या है, वहाँ पे खाना पीना सब चीज़ें करेंगे, वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। जो सूरत का ब्लॉग रहने वाला है, इसके बाद शायद मेरे कोई मार्केट ब्लॉग आए नहीं, क्योंकि मेरा जो अभी कम टाइम है, मेरे पास कुछ 4-5 दिन ही है, उसमें मुझे पूरी पैकिंग करनी है। तो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा वो मेरा पूरा एयरपोर्ट का सीन होगा, जो मैं मतलब जा रहा हूँ वहाँ पे, टिकट्स और टेस्ट क्या क्या एयरपोर्ट पे लगता है, वो सब चीज़ें मैं उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। और हाँ गाइस, 1 साल पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने देखा था कि लोग बहुत महंगे में चीज़ें लेकर आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते। तो मैंने जब मार्केट्स घूमता था, मैं लिंकिंग रोड ये सब जाता था, होलसेल मार्केट्स घूमे मैंने, तो मैंने देखा कि वीडियो बनानी चाहिए एक, जिसपे लोगों को हेल्प भी मिलेगी ऐसा। तो मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपको मेरी वीडियोस पसंद है, आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया और मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया है। मैंने सोचा था कि मैं अपना बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करूं, बट मेरी जो वीज़ा है वो मेरे बर्थडे के दिन ही ख़त्म हो रही है, तो मुझे उससे पहले ही निकलना पड़ेगा, तो वहाँ चल के सेलिब्रेट करेंगे। और गाइज, यहाँ से पूरी तैयारी करके जानी है, मतलब कपड़े तो नहीं, क्योंकि वहीं से जाके शॉपिंग करने वाला हूँ, यहाँ से इतना सामान भर के लेके जाऊँ वो अलग ही टेंशन है, तो कपड़े तो वहीं से लूँगा, बट जो ज़रूरी सामान है घर के, वो सब मैं चीज़ें वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ अपने साथ। जब टिकट मैंने नहीं निकाली थी, तब लग रहा था मेरे को बहुत टाइम है जाने में अभी, तो टिकट निकाल दिए, तो अभी ऐसा हो गया है कि सब जल्दी जल्दी करो, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, तो सब लोड एक साथ आ गया, अभी पैकिंग करनी है, चीज़ें लेकर आनी है, और सबसे मिलना है मुझे, तो अभी कुछ ना कुछ तो मिस होने वाला है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर मैं किसी से नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी हालत देख रहे हो यार, मुझे अभी मेरा 5 दिन में मुझे निकलना है, और अब मैं सूरत जा रहा हूँ, मेरी ऐसी हालत है, मुझे चीज़ें लेकर आनी है, उसके बाद मुझे आके अपनी पैकिंग करनी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिस होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी घर पर चलते हैं, क्योंकि मुझे बैग्स पैक करनी है अपनी, और खाना भी खाना है मुझे, मेरी 2 घंटे में बस है, तो मुझे निकलना है यहाँ से। चल जितिन, लेट हो रहे, जल्दी कर, चल बाय बाय। रुके यहाँ पे, और महाराष्ट्र में ही अभी तक गुजरात बॉर्डर आया नहीं है, तो अभी तो मेरे को बार बार बोल रहा है कि बाइक पे चलते थे, बाइक पे चलते थे, उसने कम से कम मेरे को 100 बार सुना है ये चीज़ पे कि बाइक पे चलते थे, मतलब ट्रैफिक हो रही है तो बोलते हैं ऐसे, अच्छा हम लोग बाइक पे चलते थे,
रास्ते पे खड्डे तो बोलता है ऐसे, अच्छा हम बाइक पे चलते थे कम से कम, बहुत सुना है बंदे ने मेरे को। हम लोग पहुँचे कुछ 4-5 बजे तक पहुँचे गए हम लोग, और अभी हुआ है, अभी 2 बज रहे हैं रात के, और अभी ढाबे पे रुके तो पहुँच जाएंगे 4-5 बजे तक। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ऑफिस में, वहाँ जाके हम लोग सो जाएंगे और फिर सुबह को उठ के सब सारे काम हम लोग करने वाले। सो गाइस अभी हम लोग अपने ऑफिस से निकल चुके हैं और अब जो मार्केट में काम है वो जाके। हम आए हैं आरकेटी मार्केट में, और यहाँ पे आपको सब प्लेन फैब्रिक्स मिलने वाले हैं। ये मार्केट में मोस्टली सब प्लेन फैब्रिक्स मिलेंगे यहाँ पे, और अगर कोई कोई शॉप में यहाँ पे आपको ड्रेस मटेरियल भी मिल जाएगा सब। और गाइज ये सब होलसेलर्स है इनके, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो 4-4 पीसेस करके मंगवाना पड़ेगा यहाँ पे। और इनकी रेंज सब 1000 से लेके 2500 के बीच में आपको यहाँ पे सब ड्रेसेस मिल रही है। गाइज ये सब रिटेल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, होलसेल प्राइस यहाँ पे कम है बहुत। करता था यहाँ पे 8-10 साल पहले। यहाँ पे सब फैब्रिक वाले ही आपको मिलेंगे ये मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे सब अलग अलग, मतलब न्यू वैरायटी आती रहती है एवरी डे, कोई ना कोई न्यू कपड़ा आता है यहाँ पे। ये देखिए गाइस ये वेलवेट की ड्रेस यहाँ पे 2000 की है, ये होलसेल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2000 में आपको एक ड्रेस मिलेगी, आपको 4 पीसेस लेने पड़ेंगे। और गाइस यहाँ पे आपको वेलवेट मिल जाएगा, इन पे एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। ये पर मीटर यहाँ पे 200 से 300 के बीच में आपको मिलेंगे। और यहाँ पे पैकिंग चल रही है गाइस, ये देखिए सब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, पैकिंग भी यहीं पे होके एक्सपोर्ट होती है हर जगह। सो गाइस याद रखना आरकेटी मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे फैब्रिक्स मिलते हैं। ये देखिए सब फैब्रिक्स ही मिलेंगे यहाँ पे आपको। और अभी हम दूसरी मार्केट चल रहे हैं। सो गाइस अभी हम एक शॉप में आए हैं जहाँ पे आपको सब कुर्ती सेट्स मिल जाएंगे। ये सब स्टिच नहीं है, अनस्टिच है यहाँ पे ड्रेस मटेरियल है ये सब। ये देखिए इनकी रेंज सब यहाँ पे 1000 से लेके 1500 के बीच में यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और इन पे सब पे एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क किया हुआ हैवी वर्क है सब पे।
कुर्तीज और पूरा सेट आपको यहाँ पे 800 से स्टार्टिंग है 1500 तक। गाइज अगर आपको एक दुकान में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये पूरी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे हज़ारों में दुकान है, तो आपको अगर एक जगह नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी जगह जा सकते हो, वहाँ पे आपको प्राइस में भी फ़र्क मिलेगा और क्वालिटी में भी फ़र्क वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गाइज मैंने अभी आपको जितनी भी ड्रेसेस दिखाई ये सब रिटेल प्राइस है, अगर आप यहाँ पे होलसेल में आके लोगे तो वहाँ पे आपको और सस्ते में मिलेगा। और गाइज यहाँ पे सब आपको एसेसरीज मिल जाएगी, रिंग्स ये सब चीज़ें मिलेगी, नेकलेस हो गए, 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे और 150 तक आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। नेकलेस सब 150 के, बाकी ईयर रिंग्स आपको सब यहाँ पे 50, 80, 100 के अंदर ही आपको सब मिल जाएंगे। गाइज अभी जो मार्केट में हम लोग गए, मतलब ये रास्ते में हम लोग कम से कम अभी 10 से 12 साल के बाद आए और अभी जो मार्केट में अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे सब ड्रेस मटेरियल मिलते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आरकेटी मार्केट के ऑपोजिट में ही दुल्हन क्रिएशन करके ये शॉप है जहाँ पे आपको सब लहंगे मिल जाएंगे। 3000 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे लहंगे की, 10000 तक आपको यहाँ पे सब लहंगे मिलेंगे और ये रिटेल प्राइस है, अगर आप होलसेल में लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे और कम में मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे सब आपको साड़ीज मिल जाएगी, सब सस्ते में साड़ीज मिल रही है यहाँ पे, ये देखिए एक दुकान नहीं है यहाँ पे, कम से कम 100 दुकान है और यहाँ पे गाइस 500 रुपये में 5 साड़ीज मिल रही है। गाइस ये है आरकेटी मार्केट और अभी हम जा रहे हैं न्यू टेक्सटाइल मार्केट में। इधर सब ड्रेस मटेरियल्स आपको सब मिलेंगे, 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, वो सब मैं आपको अभी इसमें दिखाने वाला हूँ। वैसे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे न्यू टेक्सटाइल मार्केट में, यहाँ पे नीचे ये देखिए जॉर्जेट का सूट आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ में मिल जाएगा और जो कॉटन के सूट्स है यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी है कॉटन की, यहाँ पे सब 250, 300, 350 के आसपास आपको सब कॉटन के सूट्स मिल रहे हैं, ये यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ में मिल जाएगा जिसपे हैवी वर्क किया हुआ है, और आप होलसेल में लोगे तो आपको यहाँ पे और कम में मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे ये मार्केट में आपको जितने भी ड्रेस मटेरियल लहंगे के मिल रहे हैं ना, सब आपको 1500-2000 के अंदर आपको लहंगे मिलेंगे, ये रिटेल प्राइस में आपको बता रहा हूँ, होलसेल में तो और भी कम में आपको लहंगे यहाँ पे मिल जाएंगे। गाइज ये सब सूट्स रेडी है यहाँ पे, कॉटन के हैं यहाँ पे सब, आपको जॉर्जेट सैटन सब के सूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए सब, ये देखिए गाइज कॉटन के ये सूट्स, ये सब यहाँ पे 400-500 में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिन पे वर्क हैवी है, अलग अलग प्राइस है यहाँ पे सबके।
दुपट्टा सूट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सब 400 रुपी से स्टार्टिंग है यहाँ पे, 1200 रुपए तक आपको यहाँ पे सब सूट्स मिलेंगे। बट ये रिटेल नहीं है, होलसेल शॉप है सिर्फ, तो होलसेल में आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो गाइस पूरे काम यहाँ से हो चुके हैं हमारे, जो काम से आए थे, और वीडियो का भी काम हो गया है यहाँ पे। वैसे सोचा था 2 दिन का ट्रिप होगा, बट एक ही दिन में सब हो गया, तो सोच रहे आज रात को ही यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे रहने का भी कुछ मतलब नहीं है, और घर पे जाके मुझे पैकिंग भी करनी है अपने लिए, तो इसलिए देख रहे आज रात को ही निकलेंगे यहाँ से। गाइस अभी हम आ गए हैं हमारे ऑफिस में, और हमारे सब काम ऑलमोस्ट हो चुके, तो टिकट्स मैंने निकाल दिए और आज ही हम निकलने वाले हैं। वैसे मैंने सोचा था कि 2 दिन का ही ट्रिप होगा, बट एक ही दिन में हमारे सारे काम हो गए। गाइस ये था सूरत की मार्केट, और यहाँ पे गाइस अलग अलग मार्केट से, मतलब बहुत सारी मार्केट है, एक पूरी आपको रेडीमेड की मार्केट यहाँ पे मिल जाएगी, एक में ड्रेस मटेरियल आपको मिलेगा, एक में प्लेन फैब्रिक्स मिलेगा, तो यहाँ पे सब ऐसे अलग अलग मार्केट से, और इसमें मैंने आपको सब मिक्स में दिखाया है। मुझे बहुत लोगों ने मना भी किया था वीडियो नहीं निकालने के लिए, क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पे, बट जिन लोगों ने मुझे अलाउ किया, मैंने उनकी वीडियो निकाली और मैंने आपको ये वीडियो मतलब दिखाया आपको मैंने। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है। गाइज मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।